इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड आइकन के ऊपर टच कीजिए, साथ ही साथ इस घंटी को भी टच कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी सैंडिस्क के मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, कार्ड या फिर पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रहा है, बार बार फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, या फिर पहले के मुकाबले बहुत ही कम स्पीड मिल रहा है USB 3.0 की ड्राइव में, तो किस तरह से आप रिप्लेसमेंट लेके एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट पा सकते हैं, उसी का आज मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और ये जो प्रोसेस है मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीजें आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। तो सबसे जो पहला चीज है, जो भी ड्राइव में आपका प्रॉब्लम हो रहा है उस ड्राइव का बिल आपके पास होना चाहिए और वो वारंटी पीरियड में होना चाहिए। और दूसरी जो चीज है, उस ड्राइव में किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, तभी आपका ड्राइव जो है रिप्लेसमेंट के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है आप लोगों को वही करना होगा कि सबसे पहले आप लोगों को सैंडिस्क की टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होगा और ये नंबर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। इस नंबर पे आप लोगों को कॉल करना होगा और कॉल करने के वक्त दो चीज ध्यान में रखिए, ये जो नंबर है सोमवार से शनिवार तक ही खुला हुआ रहता है और दूसरा जो चीज है वो सुबह 9 बजे से शाम की 6 बजे तक ही ये नंबर लगेगा। तो उस टाइम के अंदर आप लोगों को कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद IVR का प्रोसेस फॉलो करना होगा और फॉलो करने के बाद आप लोगों को कस्टमर सर्विस में सबसे पहले कॉल करना होगा। कस्टमर सर्विस में कॉल करने से पहले आप एक दो चीज आप सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए कि जो भी ड्राइव में आप लोगों का प्रॉब्लम होता है तो उस ड्राइव में जो कुछ भी लिखा हुआ है सबसे पहले आप एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जो भी ड्राइव में लिखा हुआ होगा, जो भी सीरियल नंबर वगैरह, वो आप लोगों को पूछा जाएगा और वो बहुत ही छोटा छोटा होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले आप जो भी नंबर वगैरह लिखा हुआ है, पीछे की साइड भी एक दो नंबर लिखा हुआ होगा, तो वो सभी नंबर आप एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि जब आपको पूछा जाएगा वो नंबर सब बताने के लिए तब आपको सुविधा हो। उसके बाद आप लोगों को जो भी पूछा जाए वहां पे आप लोगों को सब कुछ बताना होगा। और अगर आप लोग पहली बार कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कहा जाएगा कि ड्राइव किस कलर का है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राइव का सीरियल नंबर वगैरह क्या है, वो सभी आप लोगों को बताना होगा। और कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर ठीक से याद रख लीजिए या फिर आप कहीं पर भी वो नंबर लिख कर रख लीजिए, क्योंकि बाद में वो नंबर काम में आ सकता है आपका। और वो नंबर बाद में कब काम आएगा मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को जो भी मेल आईडी आप लोगों ने बताया, उस मेल आईडी में आप लोग को एक मेल भेजा जाएगा। उस मेल के अंदर आप लोग को कहा जाएगा कि उसी मेल के अंदर आप लोग को आपका जो इनवॉइस कॉपी है, जो भी ड्राइव में आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है उस ड्राइव का बिल कॉपी आप लोग को उसी मेल में रिप्लाई करके भेजना होगा। और अगर आप लोग कोई भी USB 3.0 ड्राइव यूज कर रहे हैं और उसमें अगर कोई भी स्पीड के रिलेटेड इशू हो रहा है, कि मान लीजिए पहले आपका ड्राइव में 20 Mbps स्पीड मिल रहा था, अभी 5-6 Mbps की स्पीड आ रहा है, तो उस केस में आप लोग को एक स्पीड टेस्ट करने के लिए भी कहा जाएगा। और स्पीड टेस्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से स्पीड टेस्ट करना है और किस तरह से उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, ये भी मैं इस वीडियो के बाद में बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद जैसे ही आप लोग आप अपने स्क्रीनशॉट और बिल का कॉपी जैसे ही उस मेल में रिप्लाई करके भेज देंगे, सैंडिस्क की मेल में जो भी आप लोग को मेल रिसीव होगा उस मेल में जैसे आप लोग रिप्लाई करके भेज देंगे, उसके बाद आप लोग को थोड़ी देर के बाद कॉल आएगा। और अगर कॉल नहीं आता है और पहली बार जब आप लोगों ने कॉल किया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि वो उस टाइम पे आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा कॉल के दौरान, तो उस नंबर को याद रखने के लिए या फिर कहीं भी लिख के रखने के लिए, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे सबसे पहले वो जो नंबर है वो नंबर आप लोगों को सैंडिस्क को बताना होगा। तो जैसे ही आप लोग वो नंबर बताएंगे उस नंबर से आपका डिटेक्ट हो जाएगा कि आपकी कौन सी ड्राइव है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आपकी जो पहली जो एग्जीक्यूटिव से जो भी बातचीत हुआ था सब कुछ वहाँ पे रिकॉर्डेड है, तो वो सभी पता चल जाएगा, आप लोगों को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको वो जो नंबर है वो बताना होगा सबसे पहले, उसके बाद वहां से डिटेक्ट हो जाएगा
कि आपने क्यों फोन किया था, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आप लोगों को बताना होगा आपकी ड्राइव का प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद आप लोगों को कहा जाएगा अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर विजिट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप आपकी जो स्टेट है उसी के सर्विस सेंटर में जाना होगा, आप किसी भी स्टेट की किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाइए, लेकिन तभी आप लोग को सैंडिस्क के सबसे पहले बताना होगा कि कौन सी सर्विस सेंटर पे आप विजिट करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग को एक RMA नंबर दिया जाएगा और वो जो RMA नंबर होगा आपकी मेल में और आपकी जो फोन नंबर है वहां पर भी मैसेज के थ्रू आएगा। और आपके पास 30 दिन का समय होगा उस ड्राइव को रिप्लेसमेंट करने के लिए। और आप किसी भी उसके बाद आप उस सर्विस सेंटर पे जाइए, ड्राइव लेके जाइए और अपना जो फोन है वो लेके जाइए। फोन इसीलिए क्योंकि जिस फोन में आपका मैसेज हुआ था या फिर जिस मेल आईडी पे आपका मेल हुआ था। और अगर आप फोन लेके नहीं जाना चाहते हैं तो उसको आपका RMA नंबर कहीं पर भी लिख के लेके जाइए। वो RMA नंबर सबसे पहले आप लोगों को दिखाना होगा और वो ड्राइव देना होगा। ड्राइव देने के बाद सर्विस सेंटर पे एक बार चेक किया जाएगा और अगर आपकी ड्राइव ठीक ठाक काम करेगा उस वक्त, तब आपका जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है उसे इमीडिएट कैंसिल किया जाएगा। और अगर आपकी ड्राइव में प्रॉब्लम हुआ तब आपको एक तुरंत नया ड्राइव प्रोवाइड किया जाएगा सैंडिस्क की तरफ से। और अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्पीड टेस्ट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से सॉफ्टवेयर स्पीड टेस्ट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है। तो आइए मेरे PC में, वहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और ये जो सॉफ्टवेयर है सैंडिस्क से आप लोगों को कहेगा कि इसी सॉफ्टवेयर से आप स्पीड टेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ब्राउजर खोल लीजिए। ब्राउजर में आप लोग गूगल पे आइए और यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिए क्रिस्टल डिस्क मार्क। लिख के जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा और कोई भी एक वेबसाइट से आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। कोई भी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सॉफ्टवेयर का व्यू है, तो इस तरह से आप लोगों को आएगा। और इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले आपका जो जिस ड्राइव में आपका स्पीड स्लो हो रहा है उस USB 3.0 ड्राइव को आप अपने कंप्यूटर में लगाइए। उसके बाद यहाँ से उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए। तो उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा ड्राइव है एच ड्राइव, तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा जो ये ड्राइव है एच ड्राइव, तो इसे मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। आप यहाँ पे 1 GB या फिर 2 GB सिलेक्ट कर लीजिए। और ये जो सबसे पहले ये जो टेस्ट काउंट है इसे आप लोग, ये सबसे पहले बाय डिफॉल्ट 5 रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे 2 या फिर 3 में रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए और ये जो प्रोसेस है ये होने में थोड़ा सा समय लेगा, आप लोगों को वेट करना होगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को इसके आगे करना होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को ये प्रोसेसिंग पूरा होने के लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा स्पीड टेस्ट का रिजल्ट है आप लोगों के सामने है, तो इस तरह से स्पीड टेस्ट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप लोग अपने डेस्कटॉप के जरिए प्रिंट स्कैनर जो बटन है उसे आप लोग प्रेस कीजिए। प्रिंट स्कैनर बटन को प्रेस करने के बाद आप लोग पेंट को खोलिए। पेंट को खोलने के बाद अभी मेरा पेंट 3D है, तो आपके कंप्यूटर पे पेंट होगा या फिर अगर आप लोग एडोब फोटोशॉप यूज करते हैं तो उसमें से एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कीजिए। उसके बाद पेंट या फिर फोटोशॉप खोलने के बाद अपने कीबोर्ड के जरिए Ctrl+V बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए, किसी भी तरह का क्रॉप वगैरह बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। आप JPEG फाइल या फिर PNG फाइल में, किसी भी फाइल में आप सेव कर सकते हैं, तो सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद आपने डेस्कटॉप में ही रख लीजिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। हो गया है, तो इसे आप लोगों को भेजना होगा। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसके रिलेटेड अगर अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।